हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा वी ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीट करी रेसिपी, जिसे मैंने होली के लिए स्पेशली बनाया था। और अगर आपको मीट बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कुकर, उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच ऑयल। उसके बाद उसमें डालना है थोड़े से तेज पत्ता, जीरा, लौंग और काले मिर्च जो मैंने खड़े यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े प्याज जो कट करके रखे थे वो मैंने डाले हैं लंबे लंबे वाले शेप में। उसे हमें धीमे आंच पर 3 मिनट तक भूनना है। इसका कलर बस चेंज होना चाहिए। उसके बाद ये 1 kg मीट मैंने वॉश करके रखा था वो सारे के सारे इसमें ऐड कर देना है। एक थोड़ा 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 करके ऐड करना है, इसमें सारे एक साथ ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और इसे हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे 5 से 6 मिनट के लिए नॉर्मल भूनना है। जैसे ही भुना जाता है उसके बाद हमें इसमें लेना है 1 whistle, लेकिन बिना पानी डाले। उसके बाद मैं तैयार करूँगी अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, जो आज मैं विदाउट मिक्सर रेडी कर रही हूँ। तो मैं इसे कूटने वाली हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे कूटूँगी क्योंकि इसी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो है ना पेस्ट रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने तेल लिया कढ़ाई में, और जो खड़े मसाले मैंने पहले यूज़ किए थे वो सारे खड़े मसाले फिर से यूज़ करना है। थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर देना है, और ये ऑनियन, गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट रेडी किया था कूट के हमने, वो भी सारे के सारे इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी कि बस, तो फिर आपको जो टोमेटो आपने कट करके रखा होगा वो आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नमक से टमाटर जो है बहुत अच्छे से पक जाता है। और इसे कवर करके लगभग 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से पक चुका है, तो इसमें आपको डालना है हल्दी का पाउडर, 3 बड़े चम्मच धनिया के पाउडर, और उसके बाद अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो 3 से 4 चम्मच आप लाल मिर्च के पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और कम पसंद है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है कंटिन्यू, और धीमे आंच पर ही इसे रखना है। इसे बिल्कुल भी फ्लेम आपको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है क्योंकि मसाले से जल सकते हैं। और आपकी जो मीट का करी का जो टेस्ट बढ़ने वाला है, जो भी है आपके मसाले से ही बढ़ने वाला है, तो मसालों को अच्छे से 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट के बाद देखिए ये जो मसाले थे ना बिल्कुल रेडी हो गए थे, ऑयल छोड़ रहे थे, तो मीट भी 1 whistle से रेडी है। तो इसको आपको धीरे धीरे करके सारे मीट को इसमें ऐड करना है, लेकिन जो कुकर में आपको मीट विसल करने के बाद थोड़ा पानी बचा होगा वो पानी को भी इसमें ऐड नहीं करना है। वो पानी को आपको बचा के रखना है जो आपको आगे काम आने वाला है। तो देखिए मैं धीरे धीरे करके सारे मीट को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और लगभग 6 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाना है। बीच बीच में आपको 1-1, 2-2 मिनट के बाद इसी तरह से आपको चम्मच चलाते रहना है। आपको ये देखना है कि ऑयल आउट हुआ या नहीं। देखिए जैसे इस सब्जी में ऑयल आउट हो चुका है, इसका मतलब कि अब रेडी है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसे जल्दी से कुकर में ऐड कर देना है। कुकर में देखिए मीट का जो पानी है पहले से बचा हुआ है, तो सारे के सारे मीट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और कढ़ाई में जो मसाले बचे थे तो उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे भी इसमें डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके 2 whistle लगानी है। 2 whistle के बाद आप देखिए ये जो मटन की करी है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, और इसका जो टेक्स्चर था वो भी बहुत अच्छा था। आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो इसके पेस्ट हमने मिक्सर में बनाए या नहीं, बहुत अच्छी है। क्योंकि विसल देने के बाद ना वो जो भी आपने कूटा है वो बहुत अच्छे से गल जाता है, पक जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका जो भी टेस्ट है ना पूरे मटन में ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हमें डाल देना है गरम मसाला। आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप मत डालिए। स्पेशली मैंने अपने घर पे जो मैं बनाती हूँ वो मैंने डाला हुआ है। उसके बाद हमें कर देंगे हम इसको हरे धनिया से गार्निश। मैंने खूब सारा इसमें हरा धनिया डाला था, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।